आज प्रभात तारा मैदान धुरवा में इंडिया उलगुलान इस महारैली में जो मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशम गुरु शिव सोरेन, और इस मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान साहेब, इस मंच पर उपस्थित यूपी के कर्मठ नेता समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, आपके सुनीता केजरीवाल, आपके संजय सिंह जी, राजद के युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी और सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला जी, आज सभी मंच में हमारा सम्मानित अतिथिगण, इस गुलान इस उलगुलान महारैले में झारखंड के सपूतों भाइयों बहनों क्रांतिकारी साथियों, हमारा इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार, सभी पत्रकार साथी लोग को भी हमारी ओर से जोहार। आज ये जो जनसैलाब अपना दिल से आए हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर, झारखंड प्रदेश या दिल्ली के या पूरा देश के अंदर में जो आज केंद्र सरकार की जो तनाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत, उस सारी चीज को ये झारखंड प्रदेश से, इसी मैदान से, प्रदेश से लेकर देश को हम लोग एक संदेश देने के लिए आयोजन किया गया है। जो हमारा लोकप्रिय सरकार जो 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त करके एक महागठबंधन संगठन का हम लोग सरकार बनाया, अरे झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल एक अलग ही है। ये बड़ा धनी प्रदेश है, लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी बड़ा दूरी रखा गया है यहाँ का खनिज संपदा से। ये लड़ाई हमारा पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह जहेमन बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, यह सीएनटी एक्ट है, यह एसपीटी एक्ट है,
या वन अधिकार अधिनियम है या पर व्हील कंसर्न रूल है, ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज बांध अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कोयलांचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है जो झारखंड जो इतिहास है, यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है, जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट, झारखंड के धरती के ऊपर में बोलना चाहिए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ को, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का सीएनटी एसपीटी, यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचाने लेके ये एक शब्द नहीं कहता है, और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है। ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया, क्यों ये लोग केजरीवाल से घबराया है, ये लोग सच्चाई में ये लोग एक जनता की बीच में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, और उस चीज का अध्ययन करके हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा कि हम यहाँ पहले सब पहले झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, सामाजिक व्यवस्था को सुधार देंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को लाएंगे आज बढ़िया। यही जो कदम उठाया है, इस कदम को देख के भाजपा वालों को पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज आदिवासी को शिक्षा देगा, मॉडल स्कूल बना के दे रहा है। अरे ही आप लोग को याद कीजिए, जिस समय इस राज्य में डबल इंजन का सरकार था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गांव में बंद कर दिया था, ताकि ये सोचता था यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, इसीलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। आज कहता है हम चावल देते हैं, हमने 80 करोड़ का अनाज देते हैं, लेकिन आज झारखंड के इतिहास अलग है। जिस समय डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख यहाँ के झारखंडियों का गरीब घर परिवार का राशन कार्ड का रद्द कर दिया था। यही डबल इंजन का सरकार भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया था। जब ये सरकार बना है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग दे दिया है, और जो 5000 स्कूल बंद कर दिया था या स्मार्ट स्कूल खोलने शुरू हो गया हर प्रखंड के स्तर में, ये उसको दर्द पैदा हो गया। जो यहाँ का गंवार रखने का इच्छा था, आदिवासी लोग नहीं पढ़े, यहाँ का दलित बच्चा नहीं पढ़े, यहाँ का मूलवासी पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, ये दर्द हो गया साथी। इसीलिए उनका ऊपर हेमंत बाबू पीछे पड़ गया। इस हमारे
महागठबंधन के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया है। यही उनका मंशा है। वो भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी यह राज किया था, लेकिन यहाँ का आदिवासी का उत्थान करने कभी नहीं बात किया है, यहाँ का मूलवासी का स्थान का कभी बात नहीं किया, न यहाँ का दलित का कभी बात नहीं किया। और वो जो आज हम लोग यहाँ का जो रोटी कपड़ा मकान हम लोग देना शुरू किया, तब उनका पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज इतना झूठा है। ये बहुत चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन झारखंड के साथ धोखाबाजी किया है। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का सूची बना था, और कई बार पत्राचार किया गया, कई बार डायरेक्ट हेमंत बाबू और ग्रामीण मंत्री जाके हमारा भेंट करते गया कि पैसा दे दो, नहीं दिया। तब ये सरकार, हेमंत बाबू ने उस समय तक ये सोचा हम सरकार अगर नहीं देगा वो केंद्र सरकार, तब आपको अब वो आवाज देना शुरू कर दिया। आज 2 कमरे का जगह 3 कमरा हम लोग देना जा रहा है। ये हर पूरा 20 लाख परिवार को देने जा रहा है। ये इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया और सरकार को अस्थिर करने शुरू कर दिया। और झूठा मुकदमे में हेमंत बाबू को जेल कर दिया। यही तो कहानी है। ये जो यहाँ का जो उद्देश्य झारखंड को अलग किया गया था और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग योजना बना दिया, इसका दर्द हो गया। हर परिवार को आज हम लोग सम्मान दे दिया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी को विदेश हम लोग पढ़ने भेज दिया। जाओ, यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, अच्छा पढ़ के लिख के आ जाओ, झारखंड को संवारो। ये हम लोग कम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब योजना देख के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया। अंत में वो लोग नहीं सका, एक तो जेल किया, लेकिन हमारा पार्टी में हमारा इंडिया गठबंधन जो मजबूत है हम लोग संभाल के रख दिया, सरकार फिर से हम लोग बनाया। लेकिन ये लोग जो अच्छा काम करने वाला सरकार, जिस तरह से केजरीवाल अच्छा दिल्ली के ऐसा राजधानी में, भारत का राजधानी में अच्छा काम करने के लिए वहां का बिजली, वहां का शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य को अच्छा काम करने कदम उठा दिया, तो आज उनको आज जेल जाना पड़ा। इसी तरह आज हेमंत बाबू भी, यहाँ का आदिवासी का बेटा, यहाँ का किसान का बेटा, मूलवासी का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, पिछड़ा वर्ग का बेटा को विदेश जब पढ़ने फ्री पर भेज दिया, इन लोगों को पेट में दर्द हो गया। ये जो इतना सुंदर काम झारखंड को संवारने के लिए ये जो योजना हम लोग शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आज उसका दर्द हो गया साथी। इसीलिए आज जागे सूर संग इंखन पे सोहल से डेरकन न झारखंड दिशो रि माझी हड़म को सनाम कोटे आलि अरदास ताहेना नुआ दिशोम रे नुआ दो आबुआ दिशोम कना। हेमंत बाबू तो खाली खाली तेतेन जेल को जेल का दिया को नुआ दिशोम रे आबुआ उड़ा आबुआ जे रेंगे जो रे जो तो हराम बुड़ी जो गो बाबा को पेंशन एमट कुआ, जो तो विधवा को पेंशन एमट कुआ,
नेत्रहीन को पेंशन एमाद कुआ आर विकलांग को पेंशन एमाद कुआ नोआ दिशोम रे बेस इसूल बेस को पढ़ा माहौन गड़ा ओना एहोप किया ओना ते भारतीय जनता पार्टी नुकुदो मेट रुकुरें तक हुआ आर हाना नवा दोष कते खाली खाली ते दोष कते और तेल ने कोई दिखा दिया ओना ते नुआ दिशोम होड़ नुआ तो सनाम को पुहेरा दिशोम गुरु सिबु सरें ते हैं मलंग लेका केटेज बनुईया होड़ महाड़ा में तया मैं कन एन हो दिशोम होड़ तले रे दुरुपा कना है दिशोम होड़ जागुआ रखत बुआ नुआ दिशोम होड़ एवे नकत बुआ नुआ दिशोम रे हरियर चिरे ओटा सबो चोआ कत बुना ओना ते नुआ दिशोम रे आलो पे हंती नतिया नुआ दिशोम रे नामो चोआ कत बुना दिशोम गुरु सिबु सोरेन उनाते नुआ दिशोम रे हरियर चीर आसार के तहन मा अब वा मुआ गठबंधन जहा गांव ता कना जहा के बुन तिंगु अका दिया उन्हें के उना अब वा गठबंधन के वोट बुन एम मा नुआ दिशोम दो आर नितम दो भारतीय जनता पार्टीया तिरी दो बाबन चला हो चो मा नुआ दो सनाम दिशोम होड़ पे मोने रे पे ठेव को का बाका नुआ दिशोम जाले का नितम उनको तो नुआ दिशोम रे हेज कते अबुआ राय रीत को बदला अबुआ सीएनटी एसपीटी एक को बदला अबुआ जहां नगाम इतिहास ओना को दपाला ओनाते नुआ धरती रे तो सदा आपराम को तीसो होड़ा आय दरी बाको सहावका ओनाते सनाम को